सराफ होंगे प्रोटेम स्पीकर, शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। कालीचरण सराफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार चुनाव जीतते आए हैं और अब उन्हें पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर बनाया है, यानी नई सरकार में उन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया है। राजभवन में वो इसकी शपथ लेंगे कुछ ही देर बाद, यानी आज शाम कालीचरण सराफ राजस्थान के नए प्रोटेम स्पीकर होंगे। शाम 4:30 बजे राजभवन में कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। तो इससे पहले वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद में अब कालीचरण सराफ का नंबर, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं। कालीचरण सराफ का एक बड़ा पोर्टफोलियो रहा है, एक राजस्थान बीजेपी के अंदर लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इस बार भी उन्होंने मालवीय नगर से चुनाव जीता है और अब कालीचरण सराफ को जिम्मेदारी दी गई है प्रोटेम स्पीकर की, जो कि आज शाम 4:30 बजे राजभवन के अंदर उन्हें राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे। तो नए प्रोटेम स्पीकर राजस्थान के कालीचरण सराफ, विधानसभा में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो धीरे धीरे सभी वो बड़े नाम जिम्मेदारियों के साथ सामने आ रहे हैं। राजस्थान सरकार में किन्हें किस किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं में से एक नाम कालीचरण सराफ। सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुधीर, कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। कालीचरण सराफ राजस्थान बीजेपी में एक बड़ा नाम है, लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 4:30 बजे आज राजभवन में शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। क्या अपडेट सुधीर इस शपथ को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, 16वीं विधानसभा का चुनाव और निर्वाचन होने के बाद प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कालीचरण सराफ को विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि कालीचरण सराफ 8 बार के विधायक चुने गए हैं। लगा 8 ही बार वो विधानसभा में पहुंचे लिया, सबसे जो सीनियर व्यक्ति के तौर पर या सबसे सीनियर विधा के तौर पर देखे तो कालीचरण सराफ का नाम सामने निकल के आया। वो राजभवन में आज राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये केवल प्रोटेम स्पीकर के लिए राज्यपाल सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं, लेकिन उनको अध्यक्षीय पावर डिलीवरेट करने के लिए अनुच्छेद 181 के तहत उनको ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो विधानसभा की कार्रवाई को शुरू करें, जिसमें जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी पहले दिन, तब सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन तक प्रोटेम स्पीकर का काम होगा। इसके लगता है सुधीर से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं, आज कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेनी है। राजभवन में 4:30 बजे आज उन्हें शपथ दिलाई जाएगी नई जिम्मेदारी के साथ। कालीचरण सराफ इससे पहले बीजेपी सरकार में वो कई बार मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला, स्वास्थ्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला और अब नई जिम्मेदारी के साथ कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे, लगातार 8वीं बार विधायक, बड़ा कद राजस्थान बीजेपी में उनका। इस बार मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। राजभवन में होगा प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। सहयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया गया है।